दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 25 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहन वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहां पर 25 बड़ी खबरों में कहां कहां से कौन कौन से सरकारी आदेश है और कहां से क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऐसे में आप सब आज जरूर जानेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई लोग जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहनें सब्सक्राइब कर सकती हैं। संक्रमितों का सर्वे करने गई दो आंगनबाड़ी समेत 24 लोग और भी पॉजिटिव हो गए। तो आपको बता दें, यहां पर ये जो मामला आया है ये मेरे पास सुधांशु भाई, नमस्ते भाई, जो जिला बागपत में दो आंगनबाड़ी सर्वे करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गई है। प्रवेश यादव जिला बागपत यूपी से हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है। उनके वहां पर यहां पर इतने लोग संक्रमित हो गए हैं जिसमें दो आंगनबाड़ी सर्वे कर रही थी और वो भी जो यहां पर पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में आप लोगों को काफी सावधान रहने की बहनों जरूरत है। साथ ही बता दें, देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर की तरफ से एक आदेश निकला है। अगला लेटर आप देखने जा रहे हो, 4 जुलाई को गोरखपुर में एक आदेश निकला है। देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर 4/6/2020 को अपराह्न 1 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि निगरानी समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों द्वारा जो है ANM आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की संयुक्त टीम बनाई गई है, जिनके द्वारा घर घर जाकर के ट्रेसिंग का कार्य किया जाना है, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सहयोग न करने के कारण डोर टू डोर ट्रेसिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा काफी रोष व्याप्त करते हुए निर्देश दिए गए हैं। और दिनांक 5/7/2020 को पूर्वाहन 8 बजे से समिति के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर जो है जाकर ट्रेसिंग कार्य में पूर्ण सहयोग करें, अन्यथा बाल विकास प्रजनन अधिकारी संबंधित मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर यह तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता कि बिना सुरक्षा के इंतजामों के अधिकारी भी लेटर ऐसे आदेश निकालते हैं जिनमें आंगनबाड़ी को धकेला जा रहा है COVID-19 के सर्वे में, और हमारा बाल विकास विभाग भी उसमें काफी जो है हाथ बटा रहा है। सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। यहां पर जब भी मानदेय पैसे की बात आए तो सारी सरकारें धोखा ही धोखा करती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इतना बड़ा छलावा किया 1500 प्रोत्साहन का, बोला सम्मानजनक कर देंगे, 10,000 दे देंगे, लेकिन हर जगह धोखा ही मिला। अभी COVID-19 जब खतरे का काम आया तो आंगनबाड़ी को ही वहां पर धकेल रहे हैं, और यहां पर इसके लिए ना तो मास्क, ना ही सैनिटाइजर, ना ही अन्य राज्यों की भांति, तीन राज्यों की भांति यहां पर 50 लाख का बीमा कवर तक मिला। यानी कहें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ धोखा ही धोखा चारों तरफ आंगनबाड़ी को सरकारें दे रही हैं। अतः लिखा है, अतः उपरोक्त क्रम में आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि सुनिश्चित कर लें कि टीम में नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिनांक 5/7/2020 को पूर्वाहन 8 बजे से अनिवार्य रूप से समिति के साथ डोर टू डोर जाकर ट्रेसिंग कार्य करेंगी। तो ऐसे में आंगनबाड़ी ट्रेसिंग का कार्य करेंगी, कोई यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, यहां तक एक मास्क, सैनिटाइजर, साबुन कुछ भी विभाग ने दिया नहीं है, और पैसे जारी हुए विभाग से लेकिन पहुंचा कुछ नहीं। अब आप खुद सोचिए, अधिक आंगनबाड़ी का जो आता है वो भी अधिकारी दबाते हैं और अधिकारी ही ऊपर से लेटर भी निकालते हैं। आगे लिखा है कि इसके प्रति कठोर वरना कार्रवाई कर दी जाएगी। तो बहनों देखिए, अत्याचार और शोषण के जो आदेश आ रहे हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राधा कुमारी बहन है, उन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी है, घर घर जाकर के बहनें सर्वे वगैरह का काम अपना कर रही है। COVID-19 का जो सर्वेक्षण अभियान चल रहा है ना, घर घर जाकर के, तो उसी के संबंध में आंगनबाड़ी बहन है करनालगंज गोंडा वगैरह से, तो उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी। आगे आपको बता दें, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से, मध्यप्रदेश से हमारे भाई हैं, उन्होंने ये जानकारी भेजी है। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में 144 धारा लागू हो चुकी है, इसी के संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश हैं, जैसे कि यहां पर इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजों को लेकर के सरकारी कर्मचारी जो भी लोग हैं और इन सबको जो है अपने अपना काम जो है अपने हिसाब से करना होगा, इसके लिए यहां पर आदेश हैं। और वहीं पर ऐसे ही चीजें लिखा है, बैंक सेवाएं, पेट्रोल पंप वगैरह एवं रसोइयां गैस गंभीर, और यहां पर लिखा है गंभीर मरीज, इन सबको जो है यहां पर थोड़ी थोड़ी आसानी मिल जाएगी काम करने में और अपना इधर उधर जाने के लिए, फल सब्जी वगैरह लेने के लिए, ऐसा सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी के लिए इसमें नहीं लिखा, इसलिए हम इस लेटर को साइड में रखते हैं। आगे आपको बता दें, यहां पर हमारे पास अगला जो मैसेज है, भैया मैं आशा आंगनबाड़ी जो है सैफई इटावा से हैं और मेरी नौकरी जो है शादी से पहले वगैरह लग गई थी, और मेरी जो ससुराल मैनपुरी वगैरह में, शायद उन्होंने लिखा है, तो वहाँ पर जो है ससुराल में वो रहना चाहती हैं लेकिन वो अभी मायके में हैं, इसी वजह से जो वो चाहती हैं कि उनका ट्रांसफ़र उनकी ससुराल में हो जाए। ससुराल वाले में उनका कहना है कि वहाँ पर उनकी ज़मीन वगैरह भी ये सब कुछ जो है बेचने को तैयार हैं, तो ये सब समस्याएं उनके सामने आ रही। तो बहन, ट्रांसफ़र तभी होगा जब ट्रांसफ़र सभी के होंगे, तभी ट्रांसफ़र हो पाएगा। या अपने विभागीय अधिकारी से अपने यहाँ और अपने वहाँ, यानी मायके और ससुराल दोनों जगह जब आप के वहाँ पद खाली होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, या कोई बदली करना चाहेगा, या फिर बदली जब होंगी तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा।
अन्यथा ऐसे ही अपना एक पद छोड़ करके विभाग कहीं दूसरी जगह तैनाती दे ही नहीं सकता। आगे आपको बता दें, मेरे पास प्रिंस के नाम से भाई ने लिखा है, भाई एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्रमोशन का मुद्दा उठाएं और हम लोग आपके साथ हैं और इसमें काफी जो है नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाई नुकसान हो रहा है, मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द जो बहने हैं उनका अधिकार मिले और ये 4-5 हजार के चक्कर में पूरी जिंदगी तो निकल ही गई है, अब तो कम से कम 40-50 हजार मिल जाए प्रमोशन में। लेकिन यहां पर हम सब मुद्दा तो उठा सकते हैं, सहयोग भी तो चाहिए। आप मान लीजिए भाई अकेले साथ हो, ऐसे आप सब जानते हो कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं यहां पर चैनल पर, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक करके चले जाते हैं, अब खैर वो नहीं पता वो कौन से हैं, लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी बहुत सी हैं जो अभी फर्जी के वीडियो के चक्कर में पड़ी रहती है, यूट्यूब पर मानदेय के चक्कर में, इन सब चीजों में कि कहां, क्योंकि वो लोग दिखा रहे हैं जो मानदेय की खबरें वो आपकी झूठी हैं। बढ़ जाए तो दिखाएं अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यूं ही वो फर्जी दिखाते हैं। अभी आप लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर के जागरूक होना है, ये जरूरी है, धरना वगैरह होना जरूरी है, लेकिन ऐसे संक्रमण में धरना भी बिल्कुल जायज नहीं है। तो कुछ भी किया नहीं जा सकता, बस मांग उठाई जा सकती है और अंधी गूंगी बहरी इन सब सरकारों के सामने आप चाहे लेटर देख इनके सामने भेज दो, उनको पढ़कर के सुना दो तब भी सुनाई नहीं देगा, भेजो तब भी वो नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब है जो होगा वो समय के साथ होगा, कोई कुछ इन सरकारों में कर नहीं सकता, क्योंकि ये कर्मचारी विरोधी सरकारें हैं, ये पैसा नहीं देना चाहती कर्मचारियों को। आगे आपको बता दें, मेरे पास अगला मैसेज है मेरठ से लगा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी वगैरह का डिजिटलीकरण किए जाने के संबंध में, इसमें एक आवश्यक जानकारी है कि आंगनबाड़ी के लाभार्थी का डाटा कौन कहां फीड कराएगा, किसकी क्या कितनी जिम्मेदारी है, यानी आंगनबाड़ी को सिर्फ अपना कागज पत्र ये तैयार कर लेना है, उसके बाद सुपरवाइजर लोग आपके मोबाइल अपने मोबाइल से जो है आपके रजिस्टर की सिर्फ फोटो खींचेंगी, ये सब कुछ इसमें लिखा है। आइए देखते हैं, थोड़ा लेटर धुंधला है, अगर मेरे पास कोई भाई बहन मेरठ से हो ये लेटर मुझे साफ भेज सके तो अच्छा रहेगा। लिखा है इसमें, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप खुद ही भाई बहन देख सकते हो, इसमें कितना भी हम कोशिश करें समझ में बहुत मुश्किल से आएगा। लिखा है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का जो है डाटा डिजिटलीकरण करने की जिम्मेदारी जो है कॉमन सर्विस सेंटर को जो है भेजी गई है या दी गई है, ऐसे कुछ लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा। इस क्रम में जो है आपको ईमेल के माध्यम से परियोजनावार आंगनबाड़ी केंद्रों का विवरण व मोबाइल नंबर की सूचना प्रेषित की गई है। निदेशालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार की गई है। निदेशालय के उपरोक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि कॉमन सर्विस सेंटर के जो है प्रतिनिधि द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया जाएगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर प्रारूप की फोटो खींची जाएगी एवं जो है यहां पर तो कॉमन सर्विस सेंटर वाले आपके रजिस्टर की फोटो भी लेंगे। आगे लिखा है उक्त विवरण को प्रत्येक केंद्र हेतु और लिखा है प्रणक वगैरह शायद या प्रणंग वगैरह ऐसा कुछ लिखा गूगल फॉर्म में दर्ज करें और समस्त जो है संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रदान किया जाएगा। आप अवगत हैं कि सूचना में लाभार्थियों के व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आधार मोबाइल नंबर जो है नंबर दर्ज है, इसीलिए यह आवश्यक है कि आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की आंगनबाड़ी केंद्र पर जारी और यह धनराशि कार्यकर्ती से संपर्क कर उनके रजिस्टर प्रारूप की फोटो खींचे। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा आवश्यक है कि आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है जाए और वह जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आप संपर्क कर उनके रजिस्टर प्रारूप की फोटो वगैरह खींचे, तो आपके वहां पर आकर के फोटो वगैरह खींची जाएंगी। तो इसके आदेश है, ना कि जो है आंगनबाड़ी किसी जनसेवा केंद्र पर जाएं और इस सबकी फीडिंग कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो अधिकारी का लेटर आया है जिला कार्यक्रम अधिकारी का, वहां पर यही साफ शब्दों में कहा जाए आंगनबाड़ी परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि का नाम क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर का नाम व पता, प्रतिनिधि व मोबाइल नंबर, प्रतिनिधि के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने की संभावित तिथि। तो आपके वहां कॉमन सर्विस सेंटर वाले खुद आएंगे लेने, आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के चक्कर में अपना मानसिक तनाव और मत बढ़ाना बहनों। तो आप लोगों को जानकारी मैंने पहुंचा दी। अगले हमारे पास जो सीमा रानी बहन है, उन्होंने ये जानकारी भेजी थी। सुधांशु भैया नमस्कार, और भैया जी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश जी जो उनको जो है अनुरोध करना चाहती हूं कि बहनों का काम देखें, इतना सारा बोझ हमारी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर डाल दिया जा रहा है और उनके मानदेय के विषय में कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर आप आंगनबाड़ी बहनों से काम ले रहे हैं तो उनके मानदेय के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी आशा के साथ आपको बहनों ने अपनी जो है कीमती वोट देकर चुना है। ऐसा ना हो आने वाले चुनाव में बहनें परेशान होकर अगली सरकार के बारे में सोचें, क्योंकि जो बहनें जो जो है रोजी रोटी वगैरह देगा वही जो है सरकार का जो है चुनाव करेंगी, और कम से कम जो है सरकारी कर्मचारी घोषित करें और तो जो है 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5,000 सहायिका को तो रुपया मिलना ही चाहिए, कुछ नहीं होता लेकिन कुछ तो मिलेगा। फिलहाल के लिए आप हमारा मानदेय सिर्फ 10,000 ही कर दीजिए। बिल्कुल सही बहन ने कहा है, जैसे अन्य राज्यों में 10,000 है उतना तो कम से कम करें। जितना का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि हमारी सरकार आएगी तो 10,000 कर भी देंगे, सम्मानजनक पैसा देंगे, लेकिन निकला क्या, खाली पुलाव 1500 रुपया शर्तों के साथ में, वो भी 1.5-2 साल से मिला नहीं। ऐसे कहते हैं कि धोखा देना छलावा देना।
अब ये बहनें भूलेंगी नहीं, आप भले ही भूल जाएं, ऑल इंडिया कभी नहीं भूलता, आगे भी ना भूलने वाला है, और ये याद आप लोगों को हम समय समय पर दिलाते भी रहेंगे। प्रिय साथियों नमस्कार, निगरानी समिति में इनरोल लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी, आंगनबाड़ी 19 के सर्वे में जो है यहाँ पर कोविड 19 यानी कि सर्वे में हेतु लगाई जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अब ये एक मैसेज आया है और ये सूचना अब इनको लगाई गई है, और ऐसे में ये मैसेज जो आया है गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष लिखा है, और इनका मैसेज है टहलते भागते किसी बहन के माध्यम से आया है, नंबर तो इनका सेव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज बताइए, जाने कब से कोविड 19 के सर्वे में बहने लगी हैं, कितना काम कर रही है, तब तक कोई यूनियन नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर जब लास्ट पर आ चुकी है बहने, पड़ाव पर जुलाई आ गया है, इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी बहने संक्रमित पहले से हो गई, अब ये लेटर आ रहे हैं ऑल इंडिया पर दिखाने के लिए, धन्य है लोग। आगे बता दें यहाँ पर, ये देखिए मेरे पास अगली बहन है आंगनबाड़ी सुनीता देवी, किशनपुर हमीरपुर ब्लॉक वगैरह पूरनपुर जिला पीलीभीत से, आप देख सकते हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये अभी जो आपने देखा ना, ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यूनियन वाले मैसेज हैं, ये गलती से टहलते टहलते आ जाते हैं। 50 लाख के बीमे की लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है, जबकि आप सब जानते हो बिहार में 1.5 महीने पहले ही बीमे को लेकर के यूनियन ने कम से कम दस पंद्रह बार लेटर लिखे हैं सरकार को, और 1.5-2 महीने पहले ही 50 लाख का बीमा करवा लिया। सबसे पहले लागू हुआ था आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसे लागू हुआ, उसके बाद बिहार वालों ने कहकर के लागू करवाया है, ये याद रखना। तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए यहां पर कि हमारे उत्तर प्रदेश वाले यूनियन क्या कर रहे हैं और कब कब जाग रहे हैं, सो करके जाग रहे हैं। अभी ये लोग बीमा को लेकर के सिर्फ यही उनका चल रहा है। आगे आपको बता दें, ये पुष्पा बहन, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी, सुधांशु भैया नमस्कार, आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली, और लिखा है भैया प्रोत्साहन राशि हम लोगों को मिलेगी, क्या यह सच है, क्योंकि हमने सारे मोबाइल मॉड्यूल पर कर दिए हैं, और धन्यवाद भैया, गुड नाइट आंगनबाड़ी पुष्पा देवी जिला रायबरेली से। तो बहन पैसा तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, क्या देगी सरकार या नहीं देगी, वो एक अलग बात है। शर्तों की माने, लेटरों की माने, तो उनके अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। ये चाहे अधिकारियों की लापरवाही कहो, चाहे जानबूझ करके उनकी गलतियां कहो कि वो देना ही नहीं चाहते, या कुछ भी हो, या सरकारों की भी इसमें राजनीति कूटनीति जो भी आप समझ सके वो आप समझो। आगे मेरे पास बहन ने पुष्पा ने जो है एक मैसेज बहन ने भेजा है, 11 जून का है, और ये लेटर मैं आप लोगों को बहुत पहले दिखा चुका, ये आंगनबाड़ी जो है प्रमोशन को लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर जो है प्रतिचयन के लिए अच्छे कार्य प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वरीयता दी जाएगी। इसके संबंध में मैंने बहुत पहले बता रखा है आप लोगों को, जो डेली वीडियो मेरा देखते हैं, कोई भी मिस नहीं करते, उनको समय समय पर जानकारी रहती है किस दिन कौन सा लेटर निकला, और वो लेटर टहलते घूमते लोगों के पास एक एक महीने बाद पहुंचते हैं, आपके विभाग के अधिकारियों के पास ही वो एक एक महीने बाद सुपरवाइजरों के पास पहुंचते हैं, लेकिन ऑल इंडिया आप लोगों को बहुत जल्दी दे देता है। आगे आपको बता दें, मेरे पास ये एक बहन है और इनके भी यहां पर लिखी हुई है, लेकिन आपको बता दें ये बहन वो है जिनका 69,000 भर्ती में होने वाला था, और होते होते ही बहन का रह गया, और कुछ पॉइंटों के चलते जो इनका रह गया, अभी तो फिलहाल भर्तियां ही जो उस पर स्टेज ऐसा लगा हुआ, सब कुछ कोर्ट में चल रहा है सिस्टम, वही चीजें है ना कि कुछ भी आए सरकार जानबूझ करके ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है जिनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कहीं धांधली होती है, कहीं कुछ होता है, उसके बाद वो भर्तियां फिर कोर्ट में चली जाती हैं, ऐसे ही सब कुछ जो है लपेटे में चलता रहता है, बच्चे फॉर्म डालते हैं, पैसा सरकार उठाती है करोड़ों अरबों की जो है तादाद में, ऐसे रेलवे में आपने देखा होगा पता नहीं कितने करोड़ करोड़ रुपए जो है फार्म के ही आ जाते हैं सरकार के पास। आगे देखिए, ये है कोविड 19 सर्वे, ये बहन कर रही है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है, नाम वगैरह तो बहन ने अपना नहीं भेजा। साथ ही बता दें, ये बहन है सुमन देवी बहन, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है, घर घर जाकर के बहन सर्वे भी कर रही है और पौधे भी जो है लगा रही है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ऐसे में आपको ले चलते हैं, अगली जो बहन है हमारे पास पूनम पांडे बहन, उन्होंने मुझे ये भेजा है अपनी तस्वीर, अपने घर के बाहर जो है एक पौधा लगा रही है पूनम पांडे बहन, आप देख सकते हो। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगले हमारे पास जो समस्या दीपक के नाम से भाई हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने मानदेय से बांटना होगा पोषाहार का गेहूं, लाभार्थियों को जो पोषाहार दिया जाएगा वो अब पहले कार्यकर्ता अपनी जेब से खरीदेंगी और लाभार्थियों को बांटेंगी, उसके बाद उसको विभाग से पैसे दिए जाएंगे। शीला देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है करौली जिला राजस्थान से, तो राजस्थान में बताया जा रहा है ये सब कुछ कि आंगनबाड़ी अपनी जेब से भरे, तो चारों तरफ ये शोषण है। अब आप लोग सोचिए, इस शोषण को आप बढ़ावा दे रहे हो, गलती मेरी है, मेरी मुझसे क्या लेना देना, मेरा काम है आप लोगों को सही राह दिखाना, आप लोगों की मदद करना, मैं वो कर रहा हूं, मेरे समझाने के बाद जागरूक करने के बाद भी यदि आप लोग अपना शोषण करवाओ तो ये गलती आपकी मानी जाएगी, विभाग की नहीं मानी जाए, क्योंकि विभाग तो भ्रष्ट है, विभाग के अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता, वो तो 50-60 हजार पा रहे हैं, ऊपर से ऊपरी इनकम उनकी अलग बन रही है, वो तो चाहेंगे ऐसे सब कुछ चलता रहे, मेरा क्या जाता है, लेकिन आप सबका शोषण हो रहा है, आप सब इतना जागरूक नहीं हो, तो जागरूक हो, लोगों को समझाओ, जागरूक करो, आवाज उठे, एकता को अपनी बढ़ाओ, कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा ये 4,000 की नौकरी आपके घर से भी आपका पैसा ले जाएगी। मीरा बहन है, उन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी है, कोविड 19 को लेकर के सर्वे का कार्य कर रही है। अब आप लोग खुद सोचिए, ये बहनें जो घर घर जा रही हैं,
ये संक्रमित हो रही हैं। मैंने आपको अभी सुबह एक वीडियो दिखाया, रोज दिखाते कभी ना कभी आंगनबाड़ी कहीं ना कहीं संक्रमित हो गई। सुधांशु भैया नमस्ते, आप बहुत अच्छे वीडियो दिखाते हो, हर एक बात सही व सटीक बताते हो, बाद में वही सच होता है जो आप समझाते हैं। धन्यवाद भैया जी, आपकी कामयाबी की बुलंदियों की हम भगवान से प्रार्थना करते हो। तो हम आपको यही तो समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फेक खबर, मेरे ये समझ में नहीं आता। मैं सरकारी आदेशों को उनके सामने रखता हूँ, और आदेश कोई ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप टाइप कर लूँ फर्जी का, बाकायदा ऑरिजिनल लेटर है। यकीन ना हो तो जाकर के अपने वहां अधिकारियों से मिल लो, या आपके पास खुद ही विभाग के अधिकारी जब वही लेटर डाल दें तो आप अंदाजा लगा लेना कि हमने आपको जो लेटर दिया था, जो बताया था, वो आपको एक महीना डेढ़ महीना पहले बता दिया, और आज आपके पास वो डेढ़ एक महीना बाद 15-15, 20-20 दिन बाद विभाग वाले आपको लेटर वो भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब है इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सही जानकारी पहुंचाने के लिए, फिर भी आप बहुत से लोग, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैं चाहता हूं सभी भाई बहन लाइक तो कम से कम किया करो, इससे मुझे थोड़ी खुशी मिलती है कि बहुत से भाई बहन जो लाइक करते हैं, यानी वीडियो पसंद आता है इसके लिए लाइक होता है, बाकी लाइक से कुछ लेना देना नहीं होता है। आगे आपको बता दें, पर पूनम दीदी बहन, उन्होंने मुझे ये तस्वीर अपनी भेजी है, घर घर जाकर के वो भी जो है लोगों के वहां लिख रही हैं कुछ जो है कोविड-19 का सर्वे जैसा होगा। भैया जी नमस्ते, एक साथ दो काम, उधर और संचारी रोग का, और सर्वे तीनों एक साथ जो है लगा दिया गया, अभी पल्स पोलियो भी चालू हो जाएगी, सब कुछ, यानी कहने का मतलब है बहुत से काम एक ही साथ बहनों को कराए जा रहे हैं रोज वगैरह, और यहां पर सुपरवाइजर रोज गर्मी दिखाती है। आप बताएं तीनों काम एक साथ कैसे करें, बहुत बहनें परेशान हैं, संचारी रोग का भी यहां पर सब कुछ चलने लगा है। दैनिक कोसाट या चार में जो है आखिरी में जो है फोटो मांगता है, लेकिन शायद सुपरवाइजर लोग बोलती हैं कि बिना फोटो के फॉर्म समाप्त कर दो। तो भैया बिना फोटो के फॉर्म क्यों बहने समाप्त कर दें, लेकिन भैया जी एप्लीकेशन में दैनिक पोषाहार टीएचआर में सब कुछ जो है करवाने के लिए सब कह रही है, पोषाहार में चोरी हम नहीं करना चाहते हैं, काश पोषाहार ही बंद हो जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। और लोग वो बढ़ावा देते हैं जो सुपरवाइजर के कहे अनुसार चलते हैं, यानी वो भ्रष्टाचार कहे तो वो मान ले। हर जगह ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह सुपरवाइजर अच्छी है मैं जानता हूं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही समाज में लोग एक जैसे नहीं है। तो जहां कहीं भ्रष्टाचार, मैं उनकी बात हमेशा करता हूं, अच्छे लोगों को साइड में रखिए, अच्छे लोग जहां हैं वो तो अच्छे हैं, उनसे तो बहनें बहुत खुश हैं, वो भी बहनें अपनी वहां की जो चर्चा जरूर करती हैं। आगे मेरे पास अजय कुमार के नाम से भाई हैं बिहार से, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है, आंगनबाड़ी बहनों की मीटिंग जैसी है, कुछ अपनी समस्या किसी को बता रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने लिखा कुछ नहीं है। आगे बता दें शीला मिश्रा बहन, उन्होंने मुझे ये अपनी वहां की तस्वीर भेजी है, पेड़ वगैरह वो भी लगा रही है। आगे आप लोगों को बाराबंकी से बहन थी, और अगली बहन जो आ रही हेमलता बहन, वो उन्होंने भी मुझे सुधांशु भाई नमस्ते कोविड-19 का वो भी सर्वे कर रही है, आशा देवी बहन है और हेमलता भी उनके साथ में, देख लीजिए उन्होंने भी तस्वीर भेजी है। साथ ही मेरे पास अगली बहन आ रही है शशि किरण के नाम से, अयोध्या से हैं, रुदौली से, उन्होंने भी पौधा लगाया, उसके बारे में भी उन्होंने ये तस्वीर भेजी है। आगे देख सकते हो यहां पर और एक बहन, उन्होंने भी पौधे लगाए हैं, उत्तर प्रदेश आगरा से हैं, नमस्ते सुधांशु भैया, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र का किराया नहीं आता है कि आप वगैरह हमें यह बताने का कष्ट करें, मैडम कहती हैं शहरों के लिए आता है गांव के लिए नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है, गांव के लिए क्यों नहीं आता है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, हर जगह आता है, ये साफ तौर पर आपको झूठ बोल रही है। लिखित में क्या दे देंगे आपकी सुपरवाइजर कि ग्रामीण के लिए नहीं आता है, भाई क्यों नहीं आता, आता है, शहरी के लिए आता है, ग्रामीण के लिए आता है, मेट्रोपॉलिटन वाले एरिया के लिए आता है, तीनों के लिए पैसा आता है, अलग अलग जो है रुपए के हिसाब से आता है, यानी ग्रामीण में थोड़ा कम आता है, शहर के हिसाब से ज्यादा आता है और उसमें और ज्यादा आता है। तो आप लोगों को बस ये लोग गलत जानकारी दे रही है सिर्फ और सिर्फ, आप लोग खुद सोचिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्या इनका सच है सुपरवाइजर बोल दे कि ग्रामीण में पैसा ही नहीं आता, बिल्कुल झूठ बोल रही है। यहां पर हमारे पास एक भाई की तस्वीर लगी, ये देख लीजिए, एक बहन ने भेजा है, कल दिनांक 4/7/2020 जितेंद्र यादव प्रधानपति जालेपरा, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उनकी, और पीएस वगैरह अमजदपुरे में हेडमास्टर के पद पर वो तैनात थे, उनकी असमय जो है कोरोना के कारण डेथ वगैरह हो गई है। तो ऐसे में सर्वे कहीं कुछ ऐसे में सभी लोगों पर कराया जा रहा है, जिसके चलते बहुत से लोग जो कोविड-19 की चपेट में आ रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों आप सब सावधान जरूर रहना, सर्वे जाए साइड में, काम करना ऐसा कि लोगों से बहुत दूरी बना करके रखना बहुत, और अपने आप को बचाना, लापरवाही बिल्कुल ना बरतना 1% भी नहीं, बिल्कुल दूर रहना, जो भी लिखना है नोट करना है दूर से करना, और कोई से फोटो भी लेनी है कुछ भी लेना है खींच करके तो उससे बोलो नंबर लो मेरे आधार कार्ड मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पर भेजो, मुझे टच नहीं करना है बिल्कुल भी, ये बांध लेना मेरी बातों को, बची रहोगी काफी, वरना 23,000 आ रहे हैं डेली के, एक एक दिन के केस हैं, वो दिन अलग थे जब 100-200 आ रहे थे तब इतना सब कुछ जो है तामझाम लोग मचाए थे, लेकिन अब जब 24,000 आ रहे हैं एक एक दिन में तब कोई जो है इस पर फोकस नहीं, आंगनबाड़ी को ऐसे ही जो है खुले कामों में लगाया जा रहा है बिना सुरक्षा के इंतजाम के, इसके लिए मांग उठनी चाहिए, इसके लिए यूनियनों का प्रयास चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कहीं कौन कौन प्रयास कर रहा है, मुट्ठी भर लोग कहीं कहीं बस प्रयास कर रहे हैं, किसी किसी राज्यों में जहां किया गया वहां मिला भी है, बिहार में मैंने देखा प्रयास किया गया आंगनबाड़ी के 50 लाख के बीमा कवर को लेकर के और उनको मिला भी, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा नजर नहीं आया, एक आध लेटर यूनियन ने जो टाइप किए बस हो गया, एक आध बार यदि टाइप करने से सब कुछ हो जाता तो कुछ नहीं यहां पर होने वाला था, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अन्यथा जो है यहां पर कुछ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे।